मुमताज अस्करी माधवानी 50-60 के दशक की मशहूर भारतीय अभिनेत्री है। उन्हें फिल्म इंडस्ट्रीज में स्टंट नायिका के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने 15 साल के छोटे से करियर में 108 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो अपने जमाने में बेहद बहुमुखी, सुंदर व आकर्षक थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हर भूमिका सिर्फ मुमताज को ध्यान में रखकर लिखा गया हो, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, गंभीर हो या हल्की, शर्मीली हो या भड़कीली। उसने हर किरदार में अपनी काबिलियत साबित की। आज हम आपको इनके परिवार से रूबरू करवाने वाले हैं। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उनका नीक नेम मुमू है। उनकी राशि कर्क है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इस्लाम है धर्म। मुमताज के माता पिता दोनों ईरानी मूल थे, लेकिन बंबई, भारत में बस गए थे। मुमताज के पिता का नाम अब्दुल समीर अस्करी था, जो एक सूखे मेवे के विक्रेता थे। मुमताज की माता का नाम सरदार बेगम हबीब आगा उर्फ नाज था। उनकी मां नाज भी फिल्मों में एक अभिनेत्री थी। साल 1947 में मुमताज के जन्म के ठीक एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया और मुमताज अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर पर रहने लगी। मुमताज के दो भाई और एक बहन भी है। उनके भाई के नाम शाहरुख अस्करी और शहजाद अस्करी है। उनकी छोटी बहन का नाम मल्लिका अस्करी है, जो फिल्मों में काम करती है। मल्लिका अस्करी की शादी पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई रंधवा से हुई है। मुमताज जब महज 12 साल की थी, तब उनका परिवार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मुमताज और उनकी बहन दोनों ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। मुमताज एक जूनियर कलाकार के रूप में फिल्म संस्कार, यास्मीन, लाजवंती में अभिनय करने के लिए तैयार हो गई और बहुत कम उम्र में समूह दृश्यों में दिखाई देने लगी। मुमताज ने हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया 1958 से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वो वी शांताराम की स्त्री और सेहरा में कैमरे के सामने आई, लेकिन लगभग किसी का ध्यान नहीं गया। मुमताज एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका ओपी रल्लन की गहरा दाग में नायक की बहन की भूमिका थी। इसके बाद मुमताज को मधुबाला के पिता अताउल्ला खान द्वारा बनाई जा रही फिल्म पठान में मुख्य भूमिका मिली, लेकिन फिल्म अधूरी रह गई। 1960 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे में फिल्मों में जूनियर कलाकार की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का एक संघ था और प्रत्येक जूनियर कलाकार को अपनी आय का एक हिस्सा इस संघ को देना पड़ता था। साल 1958 से 1963 तक मुमताज ने केवल छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। उम्र छोटी होने की वजह से कोई सुपरस्टार उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता था। इसी के चलते मुमताज को साइड रोल मिलने लगे। मुमताज की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा। अब धीरे धीरे मुमताज को कम बजट की बी ग्रेड की फिल्में मिलने लगी। साल 1963 से 1968 तक उन्हें फ्री स्टाइल पहलवान दारा के साथ फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आजम, रुस्तम ए हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह सहित 16 एक्शन फिल्मों में मुख्य नायिका की भूमिका मिली। मुमताज को स्टंट हीरोइन के रूप में लेबल किया गया था। दारा सिंह और मुमताज ने एक साथ जो फिल्में की, उनमें दारा सिंह का वेतन प्रति फिल्म 4,50,000 था और मुमताज का वेतन प्रति फिल्म 2,50,000 था। दारा सिंह के साथ उनकी 16 में से 10 हिट फिल्में थी। मुमताज को सेहरा, काजल, खानदान, सावन की घटा, अनपढ़, हमराज, प्यार किए जा, पति पत्नी, मेरे सनम, सूरज, पत्थर के सनम, राम और श्याम और ब्रह्मचारी जैसी ए ग्रेड हिट फिल्मों में सहायक अभिनेत्री की भूमिकाएं मिली। फिर उन्हें 1969 में दो रास्ते में राजेश खन्ना के साथ साइन किया गया। आराधना की रिलीज के बाद राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे और उनकी अगली दो रिलीज दो रास्ते और बंधन दोनों में मुमताज उनकी नायिका के रूप में थी। इन दो फिल्मों की रिलीज के बाद मुमताज 1970 से 1976 तक सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री बन गई। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने
कुल 10 फिल्मों में काम किया। मुमताज ने फिरोज खान के साथ अभिनय किया और मेला 1971, अपराध 1972 और नागिन 1976 जैसी हिट फिल्में दी। उन्होंने लोफर और झील के उस पार 1973 जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया। मुमताज पर स्टंट हीरोइन का लेबल होने की वजह से शशि कपूर ने उन्हें फिल्म सच्चा झूठा में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन मुमताज की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने चोर मचाए शोर 1973 में काम किया था। मुमताज ने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईना के बाद फिल्मों को छोड़ दिया। उन्होंने 13 साल बाद फिल्म आंधिया के साथ वापिस की, लेकिन वह फिल्म फ्लॉप हो गई। अपने करियर के दौरान मुमताज को 3 नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए एक BFJ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुमताज ने साल 1970 में फिल्म खिलौना में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फोर पुरस्कार जीता। दरअसल खिलौना फिल्म के में चांद के किरदार को करने के लिए किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि यह स्टोरी के हिसाब से यह वेश्या का किरदार था, लेकिन उस भूमिका के साथ मुमताज को अपना एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मुमताज की खूबसूरती का हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि उस समय के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके प्यार में पागल थे। मुमताज जब 18 साल की थी तब शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। शम्मी कपूर उनसे प्यार करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज कम उम्र में अपनी फिल्मी करियर छोड़ने को तैयार नहीं थी और शम्मी कपूर नहीं चाहते थे कि शादी के बाद उनकी पत्नी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे। इसलिए फिर दोनों ने अपने रास्ते बदल दिए और हमेशा के लिए अलग हो गए। दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने 27 साल की उम्र में साल 1974 में युगांडा के व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी की। शादी के बाद मुमताज ने अपने करियर को छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया। वह युगांडा और फिर लंदन चली गई और लंबे समय तक बॉलीवुड से दूर रही। हालांकि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने जीवन में बस गए हैं, तो मुमताज अक्सर मुंबई आने लगी है। मुमताज की 2 बेटियां नताशा और तान्या है, जिनमें से एक नताशा माधवानी ने साल 2006 में अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।